उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, अगर जिद हो जीतने की तो परिस्थितियां भी आपको हरा नहीं सकती। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे हम 16 सितंबर के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर पर। और देखिए, आज के टोटल करंट अफेयर की संख्या 14 है। आज की वीडियो में टोटल 14 करंट अफेयर में हम चर्चा करेंगे और साथ में इनसे जुड़े जितने भी स्पेशल फैक्ट हैं उन पर हम पूरे डिटेल में चर्चा करेंगे। और देखिए, इस वीडियो के लास्ट में आपका एक टेस्ट मिलेगा, तो इस टेस्ट को जरूर दीजिएगा। और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी PDF फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस वीडियो की PDF लिंक मिल जाएगी। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकॉन में प्रेस करके वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और देखिए, किसी ने मेरा फेसबुक पेज हैक कर लिया है, तो मैंने एक नया पेज क्रिएट किया है फेसबुक का, तो उसकी लिंक आपको मिलेगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे क्लिक करके इस पेज को जो है तुरंत लाइक कर लीजिए। और देखिए, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, इसकी लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर को लेकर। सबसे पहले बात कर लेते हैं कल के करंट अफेयर जो है सभी क्वेश्चन अपडेट के सेक्टरों की। देखिए, क्वेश्चन अपडेट का पहला प्रश्न था कि हाल ही में अमेरिका स्थित एरोस्पेस कंपनी नॉर्थरॉप ग्रुप मैन ने जो है अपने अंतरिक्ष यान का नाम किस भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री के नाम पर रखा है। तो देखिए, भारतीय मूल की ये अंतरिक्ष यात्री अब की हैं कल्पना चावला। और दूसरा था कि हाल ही में किस व्यक्ति ने भारतीय नौसेना के मटेरियल प्रमुख के रूप में पदभार ग्रहण किया है। तो देखिए, ये व्यक्ति आपके हैं SR शर्मा। और तीसरा था कि हाल ही में मध्य एशिया में शांति की ओर ऐतिहासिक कदम बढ़ाते हुए इसराइल और संयुक्त अरब अमीरात के बीच पहला व्यावसायिक विमान किस स्थान पर उतरा। तो देखिए, प्लेस आपका रहा अबूधाबी। और चौथा था कि किस तिथि को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो देखिए, हिंदी दिवस को मनाया जाता है 14 सितंबर को। और हिंदी दिवस के बारे में कुछ विशेष जानकारी मैंने आपको परसों के वीडियो में दी थी, तो परसों का वीडियो देख के उसको रिवाइज कर डालिएगा। और पांचवा था कि किस देश ने सोशल मीडिया पर फर्जी सूचना पर अंकुश लगाने के लिए असोल चीनी नाम से एक अभियान शुरू किया है। तो देखिए, ये अभियान बांग्लादेश की सरकार के द्वारा स्टार्ट किया गया है। और आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न है कि किस व्यक्ति को राज्यसभा का उपसभापति चुना गया है। तो देखिए, बिहार में हरिवंश नारायण सिंह चुने गए हैं राज्यसभा के उपसभापति। देखिए, एक खास बात यह है कि जो आपके हरिवंश नारायण सिंह हैं, ये इससे पहले भी राज्यसभा के उपसभापति थे, लेकिन अभी हाल ही में इनका जो कार्यकाल है ये जो है समाप्त हो गया था। तो आइए थोड़ा सा डिटेल में इस न्यूज़ को जान लेते हैं। देखिए, जो आपके हरिवंश नारायण सिंह हैं, इनकी पार्टी है जनता दल यूनाइटेड, ठीक है, ये जनता दल यूनाइटेड के नेता हैं। और इनको अभी हाल ही में एक बार फिर से जो है राज्यसभा का उपसभापति चुना गया है। देखिए, आप बता दूं, जो आपके हरिवंश नारायण सिंह हैं, इनको राज्यसभा का उपसभापति चुने जाने के लिए जो है प्रस्ताव जो है जो भाजपा के अध्यक्ष हैं, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं JP नड्डा, तो इनके द्वारा सदन में रखा गया था। और हरिवंश नारायण सिंह जो है, देखिए, ये पहली बार कब राज्यसभा के उपसभापति बने थे। देखिए, पहली बार जो है 8 अगस्त 2018 को हरिवंश नारायण सिंह जो है ये राज्यसभा के उपसभापति चुने गए थे। इनका कार्यकाल अप्रैल 2020 में समाप्त हो गया था। तो अभी जो है संसद का नया सत्र स्टार्ट हुआ है और इस नए सत्र में फिर से चुनाव हुआ है और दोबारा एक बार फिर से हरिवंश नारायण सिंह चुन लिए गए हैं राज्यसभा के उपसभापति। और देखिए, जो राज्यसभा के उपसभापति होते हैं, इनका चुनाव कैसे होता है। देखिए, उपसभापति जो है ये एक संवैधानिक पद है। याद रखिएगा कि राज्यसभा के उपसभापति का जो पद होता है ये एक संवैधानिक पद होता है। और भारत के संविधान के अनुच्छेद 89 में ये कहा गया है कि राज्यसभा के उपसभापति का अगर पद खाली है तो उपसभापति पद के लिए राज्यसभा जो है ये अपनी किसी सांसद का चुनाव कर सकती है। और देखिए, जो राज्यसभा के उपसभापति होते हैं ये राज्यसभा के सभापति के अभाव में राज्यसभा की कार्यवाही की अध्यक्षता करते हैं। देखिए, आपको एक चीज़ बता दूं, देखिए वर्तमान में जो भारत के राज्यसभा के सभापति हैं ये आपके हैं वेंकैया नायडू, और वेंकैया नायडू भारत के उपराष्ट्रपति भी हैं। देखिए, जो राज्यसभा होता है तो उपराष्ट्रपति जो है ये राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। तो सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं, लेकिन जब ये नहीं होते हैं सदन में तो इनकी अनुपस्थिति में जो है जो उपसभापति होते हैं राज्यसभा के, तो ये जो है सारी कार्यवाही की अध्यक्षता करते हैं। और आपको बता दूँ, राज्यसभा सांसद के पद से हटाए जाने के बाद जो राज्यसभा के उपसभापति होते हैं, ठीक है, तो इनको जो है अपने उपसभापति का पद भी खाली करना पड़ता है। यानी कि अगर कोई भी व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य है और राज्यसभा का अगर वो उपसभापति चुन लिया जाता है, तो अगर उसके सांसद पद का जो कार्यकाल, यानी कि राज्यसभा के सांसद पद का जो कार्यकाल है, अगर वो समाप्त हो जाता है, यानी कि 6 वर्ष का ड्यूरेशन कम्प्लीट हो जाता है पहले ही, तो उसको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा, राज्यसभा के उपसभापति के पद से भी, ठीक है।
दूसरा प्रश्न कि जापान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो देखिए, जापान के नए प्रधानमंत्री बने हैं योशी हिदे सुगा। आप शिंजो आबे का नाम जो है दिमाग से रिलेट कर दीजिए। जो आपके योशी हिदे सुगा हैं, ये अब जो है जापान के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। और ये किस पार्टी से बिलोंग करते हैं? देखिए, जापान के मुख्य कैबिनेट सचिव रह चुके हैं योशी हिदे सुगा, और इनको जो है इनकी जो पार्टी है लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी, ठीक है, तो इसके नए प्रमुख के रूप में भी चुना गया है, और साथ ही जापान की प्रधानमंत्री के पद पर जो है इनको चुना गया है। तो याद रखिएगा कि योशी हिदे सुगा जो है ये जापान के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं, और इन्होंने इस पद पर शिंजो आबे का स्थान लिया है। देखिए, जो आपका जापान देश है ये चारों तरफ से समंदर से घिरा हुआ है, ठीक है, और जापान जो है देखिए, जापान की राजधानी है टोक्यो, और जापान की जो मुद्रा इसका नाम है जैपनीज येन। और देखिए, जापान की जो पार्लियामेंट यानी कि संसद है इसको हम जो है डायट के नाम से जानते हैं। ये प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछा गया कि किस देश की संसद को हम डायट कहते हैं, तो जापान की संसद को हम कहते हैं डायट। और तीसरा प्रश्न कि हाल ही में किसे यूरो मनी अवार्ड्स ऑफ एक्सेलेंस 2020 लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? देखिए, आज के जितने भी करेंट अफेयर हैं बहुत ही सेलेक्टिव चुनिंदा हैं, और सभी के सभी इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम के लिए। देखिए, अभी हाल ही में जो आदित्य पुरी हैं जो कि HDFC बैंक के प्रबंध निदेशक हैं, इनको जो है यूरो मनी अवार्ड्स ऑफ एक्सेलेंस 2020 के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। देखिए, जबकि HDFC बैंक के प्रबंध निदेशक हैं आदित्य पुरी, इनको भारत में एक विश्व स्तरीय बैंक के निर्माण के इनके कौशल के लिए जो है ये सम्मान यानी कि ये लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है यूरो मनी अवार्ड्स ऑफ एक्सेलेंस 2020 के द्वारा। देखिए, जो का ये यूरो मनी अवार्ड्स फॉर एक्सेलेंस पुरस्कार है ये सर्वश्रेष्ठ बैंकों और बैंकरों को प्रदान किया जाता है, और इसकी शुरुआत 1992 में की गई थी जो कि वैश्विक बैंकिंग उद्योग में शुरू किया गया अपनी तरह का पहला पुरस्कार था। तो यूरो मनी अवार्ड्स ऑफ एक्सेलेंस के बारे में डिटेल्स याद रखिएगा, लेकिन जो सबसे मेन चीज़ याद रखनी है कि HDFC बैंक के जो प्रबंध निदेशक हैं आदित्य पुरी, इनको अभी हाल ही में यूरो मनी अवार्ड्स ऑफ एक्सेलेंस 2020 के दौरान लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया है। चौथा प्रश्न है कि किस तिथि को भारत में इंजीनियर दिवस के रूप में मनाता है? तो देखिए, ये तिथि आपकी है 15 सितंबर। हर साल 15 सितंबर को मनाते हैं इंजीनियर्स डे यानी कि इंजीनियर दिवस के रूप में। और आपको बता दूं, जो आपका ये इंजीनियर दिवस है ये दिन भारत के सबसे महान इंजीनियरिंग सर मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया की जयंती का दिन है, जो कि सर MV के नाम से प्रसिद्ध हैं। और आपको बता दूं, जो आपके सर MV हैं यानी कि M विश्वेश्वरैया हैं, तो देखिए इनको जो है फादर ऑफ मॉडर्न मैसूर यानी कि आधुनिक मैसूर के जनक के रूप में जाना जाता है। और आपको बता दूं, इन्होंने मैसूर शहर को जो है डिज़ाइन किया था बहुत अच्छी तरीके से, तो इसलिए इनको फादर ऑफ मॉडर्न मैसूर कहा जाता है। और देखिए, आपको बता दूं, जो कि ये M विश्वेश्वरैया जी हैं, ठीक है, तो इनको 1955 में भारत के निर्माण में इनके असाधारण योगदान देने के लिए भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। और पांचों प्रश्न की दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ ने अभी हाल ही में किस व्यक्ति को अपना नया लोकपाल अपॉइंट किया है? तो देखिए, जो आपका दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ है इसने बदर दुर्रेज अहमद को अपना नया लोकपाल अपॉइंट किया है। देखिए, जो आपका दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ है तो आपको बता दूँ, इसका मुख्यालय आपका जो है फिरोज शाह कोटला मैदान दिल्ली में है, और इसकी स्थापना जो है 1883 में हुई थी। और साथ ही जो आपका ये दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन यानी कि दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ है, तो देखिए इसमें एक और नियुक्ति हुई है, इसमें सौरभ चड्ढा को जो है अभी हाल ही में कानूनी सलाहकार के रूप में अपॉइंट किया गया है। तो दो चीज़ याद रखिएगा कि बदर दुर्रेज अहमद जो है ये DDCA के नए लोकपाल बनाए गए हैं, और DDCA के नए कानूनी सलाहकार बनाए गए हैं सौरभ चड्ढा। छठा प्रश्न है कि हाल ही में इमामी लिमिटेड कंपनी ने हाइजीन रेंज के उत्पादों के लिए किस अभिनेत्री को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो देखिए, अभी हाल ही में जो आपका इमामी कंपनी है, ठीक है, तो इसने जो है अपने हाइजीन रेंज के उत्पादों जैसे सैनिटाइजर वगैरह हो गया, तो उसके लिए जो है जो आपकी जूही चावला जी हैं जो कि भारतीय अभिनेत्री हैं, इनको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। देखिए, जो आपकी जूही चावला हैं ये केस किंग की भी ब्रांड एम्बेसडर हैं, ये केस किंग तेल का प्रचार करती हैं कि सर पे बाल उगाइए, लेकिन बगल में जो फोटो दिख रही है ये जूही चावला के हस्बैंड हैं, ठीक है, पति देव हैं, ये खुद गंजे हैं, इनके सर पे इन्होंने केस किंग लगाकर बाल तो उगा नहीं पाए लेकिन दूसरों को ये गुमराह करती हैं। देखिए, जो अभिनेता होते हैं और जो बड़े लोग होते हैं मतलब जो भी सेलिब्रिटी होते हैं ये कुछ भ्रामक विज्ञापन करते हैं, जैसे कि जुबा केसरी, आप समझ गए होंगे किसकी मैं बात कर रहा हूँ।
तो कुछ ऐसे अनर्गल चीज़ों का ये प्रचार प्रसार करते हैं जो कि समझ लीजिए एक तरीके से बिल्कुल भ्रामक विज्ञापन करते हैं वो, कि मतलब सिगरेट पीने के बाद एनर्जी आ गई और बिमल गुटखा खाने के बाद आदमी जो है कुछ भी कर सकता है, मतलब ये ऐसे ऐसे विज्ञापन करते हैं, शर्म नहीं आती इन लोगों को। तो देखिए पहले ये अपने पति का बाल उगाएं केसकिंग लगाकर, फिर उसको दूसरों को जो है लगाने की सलाह देनी चाहिए इनको। तो ऐसे भ्रामक विज्ञापन इनको नहीं करने चाहिए। हम बात कर रहे हैं जूही चावला की, इनको बनाया गया है इमामी लिमिटेड कंपनी के हाइजीन रेंज के उत्पादों का जो है ब्रांड एम्बेसडर। देखिए जो आपकी इमामी कंपनी है इसने इस साल अप्रैल 2020 में बोरो प्लस हैंड सैनिटाइजर को सफलतापूर्वक बाजार में उतारा था, इसी का ही प्रचार करेंगी। जूही चावला जो ये हिंदी फिल्मों की एक अभिनेत्री हैं, मॉडल हैं, फिल्म निर्माता भी हैं और 1984 की ये मिस इंडिया की विजेता हैं, यानी कि 1984 में जूही चावला जो है ये मिस इंडिया बनी थी। सातवां प्रश्न कि भारत को अगले कितने साल के लिए यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन स्टेट्स ऑफ वुमेन का सदस्य चुना गया है। तो देखिए भारत जो है ये 4 सालों के लिए यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन का सदस्य चुना गया है। और देखिए इस संस्था का सदस्य बनने के लिए भारत, अफगानिस्तान और चीन जो है ये 3 देश जो है ये रेस में थे, लेकिन भारत ने अफगानिस्तान और चीन को पीछे छोड़ दिया और भारत चुन लिया गया 4 सालों के लिए यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन का सदस्य। और देखिए बता दूं भारत जो है 2021 से 2025 तक के लिए जो है इस यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन का सदस्य चुना गया है। और जो का ये यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन है, ठीक है। देखिए इस संस्था का स्थापना हुआ था 21 जून 1946 को, मुख्यालय इसका है अमेरिका के न्यूयॉर्क में। 8वां प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने आगरा के निर्माणाधीन मुगल म्यूजियम का नाम बदलकर किसके नाम पर करने की घोषणा की है। तो देखिए जो आगरा में निर्माणाधीन आपका मुगल म्यूजियम है इसका नाम बदल दिया है उत्तर प्रदेश की सरकार ने, और ये जो है अब छत्रपति शिवाजी के नाम से जाना जाएगा, ठीक है। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, इनका नाम है योगी आदित्यनाथ। और देखिए उत्तर प्रदेश की जो राज्यपाल हैं इनका नाम है आनंदी बेन पटेल। और उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है आपकी है लखनऊ। और देखिए लखनऊ जो है आपका गोमती नदी के किनारे स्थित है और लखनऊ को जो है नवाबों के शहर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये सारे फैक्ट एग्जाम में पूछे गए हैं, इसको याद रखिएगा आप। और 9वां प्रश्न है कि हाल ही में किसको विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो देखिए विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक बनाए गए हैं राजेश कुल्लर जी। देखिए राजेश कुल्लर की नियुक्ति जो है ये 3 सालों के लिए की गई है और ये जो है भारत, बांग्लादेश और श्रीलंका तथा भूटान से संबंधित मामलों का प्रतिनिधित्व करेंगे, कहाँ पर, विश्व बैंक में। देखिए जो आपका विश्व बैंक है तो इसमें 25 ऐसे कार्यकारी निदेशक पूरे विश्व से नियुक्त होते हैं जिसमें राजेश कुल्लर जो है उनमें से एक होंगे, यानी कि जो आपका विश्व बैंक है तो इसका एक परमानेंट प्रेसिडेंट होता है, लेकिन इसमें पूरी दुनिया से 25 जो है कार्यकारी निदेशक अपॉइंट होते हैं विभिन्न देशों से, और उन्हीं में से एक चुने गए हैं राजेश कुल्लर, ठीक है। तो राजेश कुल्लर को क्या बनाया गया है, विश्व बैंक का कार्यकारी निदेशक। और जो आपका विश्व बैंक है इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी यूएसए में है, इसके प्रेसिडेंट हैं डेविड मलपास। और विश्व बैंक की स्थापना जो है ये जुलाई 1944 में हुई थी। 10वां प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने अफगानिस्तान सरकार और तालिबान के बीच में कतर दोहा में होने वाली अंतर अफगान वार्ता के शुरुआती समारोह में भाग लेकर तालिबान पर अपनी बदलती रणनीति का संकेत दिया है। तो देखिए ये देश अपना भारत ही है। देखिए तालिबान जो है ये एक आतंकी संगठन था जिसने बहुत सारे आतंकी हमले किए थे, अमेरिका में भी कुछ टेररिज्म एक्टिविटीज़ हुई थी। तो उसके बाद क्या हुआ था कि जो आपका तालिबान है देखिए ये एक्टिव कहाँ पे है, अफगानिस्तान में। तो अमेरिका ने अपनी सेना अफगानिस्तान भेज दी और तालिबानियों को ढूंढ ढूंढ के मारना स्टार्ट कर दिया। बहुत दिनों तक ये आपका संघर्ष चला तालिबानियों के बीच में और अमेरिकी सेना के बीच में अफगानिस्तान में, लेकिन बाद में अब दोनों थक गए हैं, सोचते हैं कि मतलब हम शांति वार्ता कर लें। तो देखिए अभी हाल ही में तालिबान और निर्वाचित जो अफगानिस्तान की सरकार है इसके बीच में एक ऐतिहासिक शांति वार्ता हुई है, कहाँ पर, कतर की राजधानी दोहा में। और देखिए अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की वापसी पर अमेरिका तालिबान समझौते के बाद जो है सीधी अंतर अफगान वार्ता शुरू हुई है अभी हाल ही में, और अमेरिका और तालिबान ने युद्ध को समाप्त करने के लिए 29 फरवरी को एक सैन्य वापसी समझौते पर हस्ताक्षर किया था। तो अब देखते हैं तालिबान जो है ये आतंकी हमले रोकता है या फिर से जो है अपनी पुरानी वही कहा जाए तो मतलब बदतमीजी स्टार्ट कर देता है आतंकी हमले करने का। देखिए अमेरिका जो है इसका जवाब देने के लिए तैयार है, लेकिन अभी पता नहीं क्या है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो शांति चाहते हैं तो विभिन्न देशों में ये कई सारे शांति समझौते करा रहे हैं। 11वां प्रश्न कि हाल ही में हिंद महासागर में शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अमेरिका ने किस देश के साथ एक रक्षा सहयोग कार्य ढांचे पर हस्ताक्षर किया है।
तो देखिए हिंद महासागर का जो क्षेत्र है जिसको हम अंग्रेजी में इंडियन ओशन कहते हैं, जो कि मैप में आपको दिख रहा है आपका इंडिया है या आपका ईरान वगैरह हो गया, इधर देखिए ये जो आपका पूरा का पूरा रीजन है, ठीक है, ये इंडियन ओशन कहलाता है, यानी हिंद महासागर का रीजन कहलाता है। तो इसी हिंद महासागर में जितने भी यहाँ पे कंट्रीज लगे हुए हैं, ठीक है, तो इनके साथ शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अमेरिका ने हाल ही में मालदीव के साथ एक रक्षा सहयोग कार्य ढांचे पर हस्ताक्षर किया है। और मालदीव कहाँ पर स्थित है, देखिए आपका इंडिया का मैप है और ये छोटे छोटे जो आइलैंड दिख रहे हैं ये आपका है मालदीव। देखिए हाल ही में हिंद महासागर में शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से फिलाडेल्फिया में दक्षिणी और दक्षिण पूर्व एशिया के लिए जो उप सहायक रक्षा मंत्री अमेरिका के, जिनका नाम है रीड वार्नर, और साथ ही जो मालदीव की रक्षा मंत्री हैं मारिया दीदी, ठीक है, मारिया दीदी कौन है, मालदीव की रक्षा मंत्री, तो इन्होंने रक्षा और सुरक्षा समझौते के लिए कार्य ढांचे पर हाल ही में हस्ताक्षर किया। 12वां प्रश्न की हाल ही में एशियाई विकास बैंक ने किस व्यक्ति को भारत के देश निदेशक यानी कि कंट्री डायरेक्टर के तौर पर नियुक्त किया है, तो देखिए एडीबी के जो भारत के कंट्री डायरेक्टर बनाए गए इनका नाम है टेको कोनिशी। देखिए जो आपके टेको कोनिशी हैं, ठीक है, तो ये कंट्री डायरेक्टर के रूप में कार्य क्या करेंगे, ये कंट्री डायरेक्टर के रूप में जो है भारत में भारत के साथ जो है ये एडीबी की जो दीर्घकालिक और मजबूत साझेदारी है इसको कायम रखने में जो है अपने प्रयासों को जारी रखेंगे और मदद करेंगे। और जो आपका एशियन डेवलपमेंट बैंक है यानी कि एशियाई विकास बैंक है, देखिए इसका हेडक्वार्टर आपका है फिलीपींस के मांडुलियांग में, इसके प्रेसिडेंट है मात्सुकू अस्कावा और इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 को हुई थी, मेंबरशिप है 68 देशों के पास। 13वां प्रश्न की केंद्र सरकार ने हाल ही में किसके निर्यात पर बैन लगा दिया है, तो देखिए ये वस्तु आपकी प्याज है, प्याज का उपयोग बहुत सारे लोग कर रहे हैं। देखिए निर्यात का मतलब क्या होता है, ये हमारा भारत देश है और भारत देश से अगर हम किसी दूसरे देश को प्याज बेच रहे हैं तो उसको हम कहते हैं निर्यात, और दूसरे देश से अगर हम प्याज मंगाते हैं तो हम कहते हैं इसका हम आयात कर रहे हैं। तो आयात और निर्यात को देखिए याद रखने का आसान तरीका है, आयात का मतलब आया कहाँ से, दूसरे देश से, और निर्यात का मतलब गया। तो भारत जो है, भारत सरकार ने हाल ही में कहा है कि हम प्याज के जितनी भी वैरायटीज़ हैं उनके निर्यात पर बैन लगाते हैं, क्यों, क्योंकि देखिए अगर हम पूरा प्याज विदेश में बेच देंगे तो खाएंगे क्या, और भारत में प्याज की कमी होगी तो कीमतें भी बढ़ जाएंगी। तो भारत सरकार ने प्याज की कीमतों के निर्यात पर इसलिए प्रतिबंध लगाया है ताकि इसकी कीमतें जो है वो नियंत्रित रहें भारत में, क्योंकि प्याज का रेट जो है धीरे धीरे बढ़ रहा है। और 14वां प्रश्न की इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र का अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो देखिए इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी 15 सितंबर को मनाया जाता है। देखिए इस दिवस को 2007 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा लोकतंत्र के प्रचार और समेकन के लिए समर्पित राष्ट्रीय कार्यक्रमों को मजबूत करने के लिए एक प्रस्ताव के माध्यम से घोषित किया गया था, और 2008 में पहली बार लोकतंत्र का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया था। तो याद रखिएगा कि इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 15 सितंबर को मनाया गया है। तो ये थे आपके आज के 14 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, और एक इन्फॉर्मेशन आपको दे दी, देखिए कल मैंने दो वीडियो अपलोड किए थे शाम को, एक वीकली करंट अफेयर का था और एक था आपका रेलवे का प्रैक्टिस सेट 10, तो ये दोनों वीडियोज आप देख लीजिएगा, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है आपके आगामी परीक्षा के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सभी क्वेश्चन अपडेट को। देखिए आज के क्वेश्चन अपडेट का पहला प्रश्न आपके लिए कि फार्मूला 1 टस्कन ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसने जीता है, इसका आंसर बताइए। दूसरा प्रश्न आपके लिए कि सितंबर 2020 में भारत ने किस देश के साथ आधिकारिक स्तर पर द्विपक्षीय 2+2 अंतर सत्रीय बैठक आयोजित की, उत्तर बताइए। और आपके लिए तीसरा प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने स्वच्छता कार्य कर्मचारियों के लिए करीमा योजना शुरू की है, आंसर बताइए। चौथा प्रश्न है कि किस व्यक्ति को भारतीय विज्ञापन मानक परिषद यानी कि स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का चेयरमैन चुना गया है, उत्तर बताइए। और पांचवा कि यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2020 में मेंस सिंगल्स का खिताब किसने जीता है, आंसर बताइए। तो इसी के साथ आज का करंट अफेयर सेशन समाप्त होता है, कल फिर मिलेंगे। कल के करंट अफेयर वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और देखिए फेसबुक पेज को लाइक जरूर कर लीजिएगा क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस पेज पे लाइक कम है, पुराना पेज हैक हो चुका है। तो इसी के साथ जय हिंद जय भारत।